नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। ये हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं रेवाड़ी के पोस्ट एरिया का, सेक्टर 3 का, जहां किस तरीके से फुटेज में कैद हुए हैं कि चोर किस तरीके से पोस्ट एरिया में चोरी करते हैं और निशाना बनाते हैं एक कार को, क्रेटा गाड़ी को चोरी करके ले जाते हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि आप और हम कितने सुरक्षित हैं। जब पोस्ट एरिया सुरक्षित नहीं है तो आप और हम कितने सुरक्षित होंगे और रेवाड़ी की कानून व्यवस्था आखिर कैसी है, ये खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। रेवाड़ी शहर में चोरों ने पोस्ट इलाके से क्रेटा गाड़ी को चोरी कर लिया और चोरी की वारदात सेक्टर 3 में उस जगह पर हुई जहां पर महज 50 कदम की दूरी पर ही पुलिस चौकी बनी हुई है सेक्टर 3 की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 मीटर जब पुलिस चौकी है और वहां जो नगर परिषद की चेयरपर्सन भी रहती है उनका भी वहां पर निवास स्थान है, साथ ही टूरिज्म के जो चेयरमैन हैं अरविंद यादव वो भी वहां रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसे पोस्ट एरिया में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं तो आप और हम कितने सुरक्षित हैं और कैसी रेवाड़ी की कानून व्यवस्था होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये चोरी हुई है गाड़ी और वो भी सवेरे 4:45 बजे, और ये सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर आते हैं, उनकी गाड़ी के आगे स्विफ्ट गाड़ी लगाते हैं और उनकी गाड़ी का लोग तोड़ते हैं और 4:45 बजे गाड़ी को लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस गाड़ी में जीपीएस भी लगा हुआ था और उससे लोकेशन भी ट्रेस की जाती है, उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। तो पहले ये गाड़ी रेवाड़ी में दर्शाती है जीपीएस के अंदर, फिर उसके बाद दिल्ली में, वो दिल्ली तक इस गाड़ी को तलाश करने जाते हैं लेकिन गाड़ी नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां कर रहा है कि हम किस तरीके का व्यवस्था यहाँ पर है और रेवाड़ी के अंदर पोस्ट एरिया कितने सुरक्षित है। जब पोस्ट एरिया सुरक्षित नहीं है जहां शहर की क्रीम रहती है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ये हम आपको बता दें कि जिनके घर में गाड़ी चोरी हुई है आखिर कौन है। जो जानकारी मिली है ईंट भट्टा संचालक रेवाड़ी के सेक्टर 3 निवासी मुकेश कुमार, उन्होंने बताया कि उनकी क्रेटा गाड़ी रात को घर के बाहर खड़ी थी और सुबह करीब 7 बजे उनको वहां से जाना था दिल्ली के लिए। जब वो घर के बाहर निकलते हैं तो वहां गाड़ी उनको दिखाई नहीं देती और उसके बाद वो आसपास पूछताछ करते हैं लेकिन गाड़ी का कहीं अता पता नहीं चलता और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। तो ये हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाए, बकायदा पुलिस इस मामले की तलाश कर रही है। और हाई प्रोफाइल एरिया होने के बावजूद यह चोरी हो जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार हम कह रहे हैं कि कैसी कानून व्यवस्था है, किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है और किस तरीके से चोरों को भी खौफ नहीं है, जबकि गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, आज जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी चोर बेखौफ है, ना उनको डर है ना कुछ खौफ है, और किस तरीके से गाड़ी का ताला तोड़ते हैं और गाड़ी को लेकर के वहां से चले जाते हैं और गाड़ी अभी तक ट्रेस नहीं होती है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की तलाश कर रही है, क्रेटा गाड़ी है ये जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चोर आते हैं और गाड़ी को चुरा करके ले जाते हैं। तो बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो तो आप निगरानी रखें, कैमरे जरूर लगवाएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चोरी की वारदात हो रही है, बड़े बड़े शोरूमों में जो चोर चोरी कर रहे हैं, किसी का घर चोरी हो रहा है, किसी के घर में चोरी हो रही है, किसी के दुकान में, किसी के डकैती पड़ रही है, तो तमाम जो व्यवस्था है, कहें क्राइम कैपिटल रेवाड़ी बनता जा रहा है, इसको लेकर के सेफ आपको और हमको रहना है। आपको अपने मोबाइल में पुलिस के नंबर भी रखने हैं ताकि तुरंत आप सूचित कर सके, और आसपास के थानों के नंबर भी आपको अपने मोबाइल में रखने चाहिए ताकि तुरंत प्रभाव से आप सूचित कर सके और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। यही हम आपसे कहेंगे कि ऐसा ना हो तमाम चीजें हम पुलिस पर छोड़ दें, अपने घर की निगरानी हमें खुद ही करनी होगी। और जिस तरीके का जो वाक्य आया है, ये क्रेटा गाड़ी घर के बाहर से चोरी हो गई, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि आप अपने परिवार को सेफ रखना है तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। अब आपको देते हैं दूसरी खबर, रेवाड़ी के गांव बीकानेर से, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने लैब पर रेड मारी है
और ये जानकारी दी जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां अधिकारी मौके पर थे सीएम प्राइंग के साथ और जांच में लैब पूरी तरीके से अवैध पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं ये भी कितनी बड़ी खबर है कि इतने दिनों से लैब चल रही है, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी नहीं है लेकिन सीएम फ्लाइंग कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार सीएम फ्लाइंग ही रेवाड़ी में कार्रवाई कर रही है और जो संबंधित विभाग है जिनको कार्रवाई करनी है वो कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। चाहे कहें कि आता कहीं चल रहा हो फर्जी तरीके से, आबकारी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन इसके बावजूद सीएम फ्लाइंग लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है, रेवाड़ी में भी कार्रवाई कर रही है। इसी तरीके का ये मामला आया कि फर्जी तरीके से लैब चल रही थी अवैध रूप से और जो जानकारी है शहर से सटे गांव बीकानेर में आयुष लैब खुली हुई थी जिस पर सीएम फ्लाइंग ने को सूचना मिली और उन्होंने रेड की और बगैर किसी परमिशन के ये लैब चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं लोगों के जीवन से भी ये लैब खिलवाड़ कर रही थी, किस तरीके से वह जांच कर रही। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची है और इसको सीएम फ्लाइंग ने, जो सीएम फ्लाइंग की टीम है उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और मंगलवार देर शाम को ये छप्पा यहाँ पर मारा है, रात भर ये कार्रवाई चलती रही है। तो ये हम आपको दूसरी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम फ्लाइंग वहां पर पहुंचती है बीकानेर गांव में पूरी जानकारी लेकर के, और जब वहां रेड करती है पूरी जांच करती है तो पता चलता है कि इसके पास किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं संबंधित विभाग पर कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। चाहे कोई सा भी विभाग क्यों ना हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे हुड्डा विभाग हो, चाहे डीटीपी विभाग हो, तमाम विभागों की अगर हम बात करें, चाहे अवैध कॉलोनी काटने की बात होती है डीटीपी विभाग सोया रहता है और सीएम फ्लाइंग कार्रवाई करती है। इसी तरीके से नगर परिषद में अवैध निर्माण होते हैं क्षेत्र के अंदर और दूसरा विभाग कार्रवाई करता है। तो कहां ये संबंधित विभाग सो रहे हैं, कार्रवाई करनी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकिन आयुष विभाग या जो चल रहा है कहीं लैब जो चल रही थी आयुष लैब, इसको कार्रवाई करनी थी स्वास्थ्य विभाग ने और कार्रवाई करती है सीएम फ्लाइंग। तो जाहिर है कहीं ना कहीं मिली भगत का खेल भी नजर आता है कि कैसे इतने दिनों तक लैब चलती है और कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर बीकानेर गांव के बस स्टैंड के आसपास जो स्थित एक निजी पैथ लैब की जब जांच की गई तो वहां पे जो संबंधित विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण विभाग, अग्निशमन विभाग और डीटीपी और सभी विभाग के जो ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने जब चेक किया जो अनियमितता पाई गई उनमें नियमानुसार कार्रवाई और FIR दर्ज करने के लिए थाने में कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे अमल में लाई जाएगी।